हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे पास दोनों फ़ोनों का कंपैरिजन करने वाली दोनों फ़ोन आ चुके हैं। ये हमारे पास आ चुके हैं वन प्लस नोट सी थ्री लाइट 5G। इसके साथ हम बात करने वाले हैं वीवो T2 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, वीवो T2 5G। दोनों का कंपेरिजन करने वाले हैं। अगर आप दोनों में से कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो इसी वीडियो आपके लिए। तो वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा लेना नहीं लेना चाहिए। अगर आपका बजट 20,000 के अंदर है तो 20,000 प्राइस पर दोनों फ़ोन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं दोनों फोनों में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है। चलिए हम दोनों फोनों की सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोनों फोनों की प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग की हम बात करें दोनों फोनों की, लगभग आपको सेम देखने मिल जाती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने मिल जाता है 1,500 रुपए का, वो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि आपको T2 देखने मिल जाता है 18,999 में और आपको वन प्लस देखने मिल जाता है आपको 19,999 में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों फोनों में चिपसेट की। तो चिपसेट की हम दोनों फोनों में जब बात करें तो दोनों फोनों में चिपसेट सेम देखने मिल जाता है, जो कि आपको देखने मिल जाता है स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट आपको दोनों में देखने के लिए मिल जाता है। वन प्लस आपको आपको 2 वेरियंट मिल जाता है 8 GB एंड 120, और वीवो को आपको देखने मिल जाता है 6 GB से शुरू हो जाता है 6128 में देखने के लिए मिल जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों फोनों की डिस्प्ले। तो डिस्प्ले आप वैसे भी देख सकते हैं, डिस्प्ले कलर क्वालिटी में भी देख सकते हैं, वैसे आप सामने भी देख सकते हैं। तो हम दोनों फोनों की डिस्प्ले की साइज की बात कर ले तो साइज की बात कर लें तो वीवो का साइज आपको देखने मिल जाता है 6.38 इंच की साइज आपको देखने के लिए मिल जाती है। और हमें वीवो की बात कर लें तो वीवो का साइज देखने मिल जाता है 6.72 इंच का साइज देखने मिल जाता है। साइज वाइज अगर देखें तो आपको इसमें भी दिख रहा होगा वन प्लस की जो आप डिस्प्ले आपको बड़ी देखने के लिए मिल जाती है। तो साथ ही हम दोनों फोनों में आप देख सकते हैं, इसमें आपको एक में आपको वीवो में आपको देखने मिल जाती है एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, और इसमें आपको देखने मिल जाती है फुल HD+ स्क्रीन देखने मिल जाती है। वन प्लस में आपको एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए नहीं मिलती है। ये मेरा डिफरेंस आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाता है। और हम बात कर लें दोनों फोनों की, हम की अगर आपको बात कर लेते हैं पिक्सल्स की, तो पिक्सल दोनों फोनों में सेम देखने को मिल जाते हैं 1080p x 1400 दोनों में सेम देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कैमरा की। तो कैमरा हम बात कर लेते हैं दोनों फोनों में कैमरा की, तो वीवो में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जबकि वन प्लस में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। तो वीवो में जो है आपको कैमरा देखने को मिल जाते हैं वो 64+2 MP डुअल कैमरा मिल जाता है, जो कि विद OIS के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही हम बात कर लेते हैं वन प्लस में, तो वन प्लस में जो आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। प्राइमरी कैमरा 108 MP +2+2 MP कैमरा देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम बात करें दोनों फोनों से वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोनों से कर सकते हैं 1080p पे 30 FPS में तक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोनों से कर सकते हैं। साथ ही हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको दोनों फोनों में सेम देखने को मिल जाता है, दोनों फोनों आपको 16 MP की सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। दोनों फोनों में डिफरेंस इतना, इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जबकि वीवो में आपको यू नॉच की साइज देखने को मिल जाती है, यू नॉच देखने के लिए मिल जाती है आपको। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। हम बात कर लें दोनों फोनों की बैटरी की, तो बैटरी आपको देखने को मिल जाती है वन प्लस में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिससे फास्ट चार्ज करने के लिए फोन के अंदर आपको 80 W का चार्जर देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर, लेकिन फोन आपका 67 W सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर 80 W का चार्जर मिल जाता है लेकिन फोन आपका 67 W सपोर्ट करता है। हम वीवो के अंदर भी बात कर लें, वीवो की बैटरी मिल जाती है आपको 4500 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है। अगर इसकी चार्जिंग की बात करें तो ये भी फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जो कि आपकी 44 W की चार्जिंग के साथ आता है, जो चार्जर बॉक्स के साथ मिलता है। अगर दोनों फोन की चार्जिंग की बात करें तो दोनों फोन लगभग आपके 28-29 मिनट में 50% चार्ज हो जाते हैं। तो दोनों फोन आपके इस प्रकार से चार्ज हो जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों फोनों की, दोनों फोनों में आपको इसमें आपको वन प्लस में फिंगर माउंटेड जो है साइड माउंटेन देखने मिल जाता है, वीवो में आपको इन डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें आपको साइड माउंटेन देखने मिल जाता है, वीवो में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है। तो दोनों फोनों में इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस इसके बाद आप देख सकते हैं जनरल स्पेक, दोनों फोन आप देख सकते हैं, दोनों फोन आपको देखने को मिल जाते हैं एंड्रॉइड 13 पर देखने के लिए मिल जाते हैं, दोनों फोन आपको एंड्रॉइड 13 पर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ की देख सकते हैं आपको वीवो का आपको देखने को मिल जाता है 18 अप्रैल को जो अभी लॉन्च हुआ है, और साथ ही में 18 तारीख को इसकी सेल आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि लॉन्च तो हो चुका है पहले ही, और वन प्लस अभी आप डायरेक्ट जाके खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। एक वीवो में आपको OS फंटस देखने मिल जाता है, इसमें आप ऑक्सीजन OS देखने मिल जाता है। तो गाइस ये दोनों फोनों की हमारी कंपैरिजन वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात कर लेते हैं दोनों फोनों में रैम टाइप की, तो दोनों फोनों में आपको रैम देखने मिल जाती है LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको देखने को मिल जाते हैं एंड्रॉयड देखने मिल जाता है, दोनों फोनों में जो चिपसेट देखने मिल जाता है वो फैब्रिक 6 नैनोमीटर पर बेस्ड ऑन देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको दोनों को साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से हम बात कर लेते हैं दोनों फोनों में अब आपको देखने को मिल जाते हैं जो इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बात कर लेते हैं, तो दोनों फोनों में बॉडी रेशियो भी सेम देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है क्योंकि इसका ज़्यादा वन प्लस का आपको रेशियो ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है।
हम बात कर ले दोनों हमें एक स्क्रीन रिफ्रेश रेट की, तो वीवो में आपको 19 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश देखने मिल जाता है और वन प्लस में आपको 120 का हर्ट्ज देखने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार से संपर्क देखने के लिए मिल जाता है। हम बात कर ले दोनों फोनों की अगर वेट की, तो वीवो का वेट आपको देखने को मिल जाता है 172 ग्राम का देखने के लिए मिल जाता है, और वन प्लस का जो वेट आपको देखने को मिल जाता है वो 195 ग्राम देखने मिल जाता है। तो वेट के हिसाब से आपको वन प्लस का वेट थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, तो इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों गाइस ये थी हमारे दोनों फोनों की कैमरा कंपैरिजन वीडियो, दोनों फोनों की टेस्ट, दोनों फोनों के कंपैरिजन की वीडियो। अगर आपको जोन सा अच्छा लगता है तो आप उसके हिसाब के साथ जा सकते हैं। ये हमने दोनों फोनों की स्पेक्स आपको बताते हैं, दोनों फोन इस स्पेक्स के साथ आते हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों फोनों को जो आपको अच्छा लगता है उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आप वन प्लस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वन प्लस का नाम बिकता है। बाकी अगर फीचर वाइज देख सकते हैं तो इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, वीवो में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन नहीं मिलती और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए नहीं मिलता है, तो इस प्रकार से आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। और दोनों फोन आपको 5G देखने मिल जाते हैं। तो गाइस ये थी हमारी फ्री आज की वीडियो कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।